about 250 kilometers from Fort Bend, and we are expecting to open up Fort Bend in another 30 minutes. वेलकम टू द चैनल मिस चिप्सी और मैं हूँ आपकी दोस्त मुनमुन। दोस्तों, हम अभी पोर्ट ब्लेयर पहुँचे हैं और ये सुन के आप समझ ही गए होंगे कि अगले कुछ दिन हम अंडमान को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस वक्त मैं जहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पोर्ट ब्लेयर में, और यहाँ पे डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, काफ़ी सारे फेरीज हैं यहाँ पे, और दूर कहीं पर पैरा सेलिंग भी हो रही है। पैरा सेलिंग काफ़ी दूर में हो रही है, तो वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस एज मच एज वी कैन, क्योंकि हमारे पास एक ही दिन है और कल हम जा रहे हैं हैवलॉक। तो अभी हम लंच के बाद निकलेंगे सेल्युलर जेल के लिए। तो हमारा प्लान है सेल्युलर जेल को अच्छे से विजिट करना और शाम को वहाँ लाइट एंड साउंड शो देखना। कॉम्प्लेक्स के पास ही हमें एक रेस्टोरेंट मिल गई थी न्यू लाइट हाउस के नाम से। यहाँ हमें सी फूड की काफी वैरायटी मिली। लंच के तुरंत बाद हम पहुंच गए सेल्युलर जेल, क्योंकि सेल्युलर जेल शाम के 5 बजे तक बंद हो जाती है। एंट्री टाइमिंग एंड टिकट के प्राइस मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। सेल्युलर जेल बनी थी 1896 टू 1906 के बीच, जिसे ब्रिटिश आर्मी इस्तेमाल करते थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद करने के लिए। इस जेल में टोटल 696 सेल्स हैं। सेल्युलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी वो सजा है जिसमें इन सेनानियों को पूरी जिंदगी कैद करके रखा जाता था और उनके साथ इनह्यूमन टॉर्चर किया जाता था। पर क्या आपको पता है, भारत का ये हिस्सा यानी अंडमान ब्रिटिश आर्मी के अलावा जापानीज आर्मी के भी शासन में रह चुकी है। जापानीज आर्मी अंडमान को 1942 में कब्जा किए थे, जिस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जैसे कि पहले बताया, हमें यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी देखना था, पर हो नहीं पाया क्योंकि कोरोना के वजह से टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल थी, जो 24 घंटे पहले करवानी पड़ती है। ऑनलाइन टिकट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ताकि मेरी तरह आप ना मिस करें इस शो को। शाम को होटल लौटने से पहले हम पोर्ट ब्लेयर के मेन मार्केट यानी एबरडीन मार्केट रुके। यहाँ से आप सोवेनियर या गिफ्ट आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अंडमान के और जगह में प्राइसेस थोड़ी हाई रहती है। अगली सुबह हम पोर्ट ब्लेयर जेटी के लिए निकलते हैं और फिर बाय फेरी हम हैवलॉक पहुंचते हैं। हमने अपना फेरी मैक्रूज से करवाया था। वी आर, हम पहुंच गए हैवलॉक और हम रह रहे हैं संग्रीला बीच रिसोर्ट में, विच इज़ हियर। लेट मी शो यू दिस प्लेस। एंड दिस इज़ द कॉटेज वेयर वी आर स्टेइंग। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिसोर्ट इज यू गेट अ बीच। देयर यू सी। और अब हम जा रहे हैं राधानगर बीच एक्सप्लोर करने। सो हियर इज़ द स्कूटी। स्कूटी का चार्ज 500 है, बट
we negotiated and got it for 400. Let's explore. There's a small change in our plan. तो हम लोग अभी राधानगर बीच जा रहे थे but then we realized कि कल तो होली है और कल हमें plan था, वैसे हमारा ये plan था कि कल हम elephant beach by trek जाएंगे but कल अगर हम आते हैं और guides नहीं मिलता है for होली तो वी विल मिस दैट टू. तो अभी जाते वक्त यहाँ पे आप जब राधानगर जाओगे तभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस तरह से लाइन से स्कूटी लगे हुए हैं और यहाँ पे एक बोर्ड भी है विच इज़ शोइंग द पाथ. तो यहाँ आ जाओ, आप किसी भी गाइड के साथ बात कर लो और उनके साथ चले जा सकते हो. तो हम भी वही करने वाले हैं अभी. चलो लेट्स गो फॉर अ ट्रैक. तो ये रहा बोर्ड और यहाँ पे आप अपने स्कूटी को पार्क कर सकते हो और ये एरिया है जहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाएंगे. तो गाइड के लिए चार्जेस इन लोगों ने 500 बोला है. तो अभी हम जा रहे हैं. एलिफेंटा बीच पहुंच तो गए हैं, अब एक्सप्लोर भी कर लेते हैं जरा अपने अंदाज में. अभी हम पहुंच गए हैं राधानगर बीच. एलिफेंटा बीच पे हम गए थे ट्रैक करके. इट वाज रियली एंजॉयबल. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी वेव है इस बीच में जो कि दूसरे बीच में मुझे इतना नहीं मिला है. एंड वी आर प्लानिंग टू टेक अ बाथ हियर. हमारी डे टू अंडमान में कहानी यही नहीं खत्म होती. पूरे दिन के एक्टिविटीज के बाद भूख तो काफी तेज लग गई थी. तो अब मैं ले चलूंगी आपको हेवलॉक के एक अच्छे से कैफे में. अंजू कोको कैफे, ये हमें रिसोर्ट लौटते वक्त मिला. यहाँ का एम्बियंस और खाना मुझे दोनों ही अच्छे लगे एंड प्राइस इट वॉज रीजनेबल. डे थ्री की शुरुआत एक एडवेंचर एक्टिविटी के साथ होती है. हम निकले स्कूबा डाइविंग के लिए.
ये हमारे लाइफ की पहली स्कूबा एक्सपीरियंस थी एंड यस वी वर सुपर एक्साइटेड। अभी हम पहुंच गए हैं काला पत्थर बीच और यहाँ है कुछ ऐसा नज़ारा। तो कुछ ऐसा रहा हमारा 3 दिन अंडमान में, जिसमें से 2 दिन थे हम हैवलॉक में। Day 4 हम हैवलॉक को टाटा बाय बाय अलविदा कह के निकल गए नील आइलैंड की तरफ। फिर मिलते हैं अंडमान ब्लॉक पार्ट 2 में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।